Hello everyone, welcome to Indeed Dudes. So today's video is about 12 month milestones. ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो आप अपने बेबी में देखोगे when he is of 1 year of age. And इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी, मैंने तीन वीडियोस और बता रखी हैं which tells about 3 month milestones, 6 month milestones, 9 month milestones. उसके लिंक यहाँ पे मैं डाल दूंगी. अगर चेकआउट नहीं किया है तो आप मेक श्योर करें कि आप पहले ये सारी वीडियोस जाके जरूर चेकआउट करें. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी क्या क्या करने लगा है, आप क्या क्या कर सकते हो बेबी के साथ टू बूस्ट अप हिज ग्रोथ, टू बूस्ट हिज डेवलपमेंट प्रोसेस. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. आप मेक श्योर करें ये वीडियो पूरी एंड तक देखें, तभी ये बेनिफिशियल होगी आपके लिए. एंड हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें. ये है इंस्टाग्राम का हैंडल, मेक श्योर करें आप हमें वहाँ पर भी जाके ज़रूर फॉलो करें. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की. बेबी अब क्या क्या समझने लगा है. सो बेबी अंडरस्टैंड्स मोर देन नो नाउ, राइट. वो बहुत सारी चीज़ें समझने लगा है एंड कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा बोलने लगा है. पहले वो बैबल करता था, पहले वो कूइंग साउंड्स निकालता था, आ मा लाइक, जो मैंने पहले बता रखा है कि एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट को साथ में जोड़ के वो पहले बोलता था. नाउ वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डेवलप हो गई हैं, आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स पे भी बोल रहे हैं, मामा डैडा पापा ये सारी चीज़ें बोल पा रहा है. एंड उसके साथ ही वो ये भी कर सकता है कि वो खुद से कोई अपना नाम पिक कर सकता है टू कॉल यू और टू कॉल एनी अदर पर्सन हु इज़ क्लोज बाय. तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिससे वो देखता है और लोगों को पुकारते हुए किसी को, वो भी वही नाम पिक करके बोलेगा. सो फॉर एग्जांपल आप अपने फादर को पापा बोल रहे हो तो हो सकता है वो अपने दादाजी को पापा ही बोल रहा हो. ऐसा भी बहुत बार देखा गया है. सो ये लैंग्वेज स्किल डेवलप हो रही है, वो नई चीज़ ज़्यादा समझ पा रहा है एंड कमांड्स को बेटर फॉलो कर पा रहा है. अब हम फिज़िकल चीज़ों की बात करते हैं कि फिज़िकली आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी. तो बेबी अब खुद से अपने आप को पकड़ के उठा पा रहा है, वो किसी चीज़ को पकड़ के एंड खुद से खड़े हो पा रहा है. कुछ बच्चे तो इवन चलना शुरू कर देते हैं व्हेन दे आर ऑफ 1 year ऑफ एज. एंड उसके साथ काफ़ी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये शुरू करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के वो ऑब्जेक्ट के सहारे चलने लगते हैं. ऑब्जेक्ट को पकड़ते पकड़ते जब वो चलते हैं ऑब्जेक्ट के सहारे, इसको बोलते हैं क्रूजिंग. तो क्रूजिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है. एंड इसके साथ ही उसका ग्रास्प बेटर हो गया है टू पिकअप स्मॉल बिट्स ऑफ फूड. वो छोटी छोटी चीज़ें आराम से पकड़ पा रहा है. एंड कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि आप उनको छोटू सा कप दो, छोटू सा ग्लास दो, तो उसको वो पकड़ के आराम से पानी पी सकते हैं. कुछ बच्चे हो सकता है 12 मंथ्स पे करें, कुछ बच्चे 9th या 10th मंथ से ही शुरू कर सकते हैं. वो ये है कि आप उनको जब उनकी दूध की बॉटल दोगे तो वो खुद से ही दूध की बॉटल पकड़ के पीने लगते हैं. हमारे बेबी में हमने ये देखा है कि इवन जब वो सो रहा होता है एंड उसकी फीड का टाइम होता है, हम उसको दूध दे देते हैं तो नींद में ही ऐसे पकड़ के उसको पीने लगता है. वो बॉटल हैवी हो जाती है तो अपना हाथ हटा लेता है. बट ये एक ग्रास्प भी उसकी डेवलप हो गई है एंड धीरे धीरे हम ये विश कर रहे हैं एंड होप कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे कप से भी पीने लगेगा. छोटा सा हम ग्लास लाएं उसके लिए तो उसके सहारे भी वो पानी पी सकता है. अब हम बात करते हैं उसकी कॉग्निटिव मेमोरी की, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स की, कि वो कैसे डेवलप हो रही है. तो अब वो चीज़ों को याद रखने लगा है. पहले अगर आप कोई चीज़ हटा देते थे, आप जो चाहते हो कि बेबी ना ले एंड ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ है वो आप हटा देते थे तो बेबी का अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो जाता था, वो किसी और चीज़ों के साथ खेलने लगता था. बट अब उसको याद है कि आपने क्या चीज़ हटाई है, उसको वही चीज़ चाहिए एंड आपने हटा के कहाँ रखी है, वो वहाँ पे जाके ढूंढने लगेगा कि यहाँ पे छुपाई गई है, मुझे वही चीज़ चाहिए. उसके साथ ही वो कमांड्स को बेटर समझने लगा है, उसकी मेमोरी इम्प्रूव हो गई है, ब्रेन साइज उसका डबल हो गया है जो कि उसके बर्थ पे था उससे डबल हो गया है. एंड वो आप देखोगे कि आप जब उसको कपड़े पहना रहे हो तो वो आपकी हेल्प करेगा, वो इंगेज होगा उस एक्टिविटी में, वो कोशिश करेगा कि मैं भी अपनी स्लीव से हाथ आराम से बाहर निकाल लूँ एंड वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा इन दैट एक्टिविटी. ये हमने माय बेबी इज़ नाउ ऑफ 10 months, क्लोज टू 10 months, और ये हम देखने लग गए हैं कि हाँ अब वो ये एक्टिविटी करने लग गया है. स्लीपिंग पैटर्न की बात करें तो बेबी अब अच्छे से सोने लगे हैं, 11 hours ऑफ स्लीप लेने लगे हैं एट अ स्ट्रेच इन द नाइट. दिन में एक नाप होती है जो कि थोड़ी सी बड़ी होती है, या दो नैप्स हो सकती हैं, दो छोटी नैप्स हो सकती हैं. तो स्लीपिंग पैटर्न बेटर हो गया है, आपकी नींद भी अब अच्छे से पूरी हो रही है. अब
फीडिंग पैटर्न की बात करें तो अब बेबी थोड़ा बहुत हट सकता है फ्रॉम फॉर्मूला मिल्क, फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क. अगर आप अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, ही कैन नाउ स्विच टू काउस मिल्क. बट बिफोर दैट मेक श्योर आप अपने पीडियाट्रिशियन की कंसल्टेशन ज़रूर लें. आप उसको नमक देना इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कितना देना है आपके लिए, अगेन यू शुड स्पीक टू योर डॉक्टर, उसके बाद ही दें. तो अब हम ट्रू सेंस में ये कह सकते हैं कि बेबी वही खा सकता है जो आप खा रहे हो. थोड़ी बहुत असिस्टेंस ज़रूर लगेगी, थोड़ा बहुत आपका टाइम ज़रूर लगेगा, बट आप ट्रू सेंस में जो बाकी लोग खा रहे हैं वही बेबी भी खा सकता है विद द फैमिली टाइम, एंड यू कैन हैव अ फैमिली डिनर नाउ, जो कि बहुत टाइम से नहीं हो रहा था. आई गेट दैट. उसके बाद हम बात करते हैं कि वॉट यू कैन डू टू बूस्ट अप हिज ग्रोइंग प्रोसेस. तो मैंने जैसे पहले बोला, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप तो 3 मंथ से ही आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. अगर अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर यू आर इंट्रोड्यूसिंग दैट नाउ. उसके साथ ही आप बेबीज के साथ ज़्यादा बातें करो, उनको स्टोरीज में एंगेज रखो. उनकी मेमोरी अब बेटर हो रही है, वो स्टोरीज को ज़्यादा समझ पा रहे हैं, वो वर्ड्स को ज़्यादा समझ पा रहे हैं. और आपको ये ज़रूर करना है कि आप दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर आप बेबीज को बाहर ज़रूर ले जाओ, बाकी लोगों से मिलाओ और उसके फ्रेंड्स के साथ मिलाओ. और अगर हो सकता है तो एक प्ले डेट ज़रूर करो. प्ले डेट का मतलब है कि अगर आपका बेबी 1 ईयर ऑफ एज है तो उसी के आसपास के एज के बच्चों के साथ वो खेले. उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो ज़्यादा इंगेज होगा एक्टिविटीज़ में. बच्चों को सिमिलर एज के बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, एंड इससे इनकी ग्रोथ का प्रोसेस भी बूस्टअप होता है. तो आप ये ज़रूर कर सकते हो, बाहर ज़रूर ले जाना है, उनको बाहर के एनवायरनमेंट से भी फैमिलियराइज ज़रूर करना है. तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर सकते हो. उसके न्यू फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हो. ही मेक न्यू फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है. मेक श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अगर उससे पहले आप ये सारी चीज़ें ज़रूर इंश्योर करो कि मैंने जो जो बताया है आप वो सारी चीज़ें देखो अपने बेबी में. अगर आपको नहीं देखने को मिल रही है, या 1 मंथ का डिले हो रहा है, या क्लोज टू 2 मंथ्स का डिले हो रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिल रही है, तो घबराने की बात नहीं है. घबराने से पहले आपको एक काम करना है, वो ये है कि डॉक्टर से जाकर ज़रूर सलाह लेनी है कि ये क्या है एंड वॉट इज़ द प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं. सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट 12 मंथ माइलस्टोन्स जो कि आपको बेबी में देखने को मिलेंगे. अगर कहीं भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो जाके वीडियो को ज़रूर लाइक करें. हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या देखना चाहेंगे आप, मैं अपने कॉन्टेंट को और बेटर कैसे कर सकती हूँ, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हो. इस वीडियो को जाके शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी ज़रूरत है ऐसी वीडियोस देखने की. एंड हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा, वहाँ पर भी जाके हमें ज़रूर फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें. वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स. सो टिल देन, बाय बाय.